आप में से अभी जो भी बच्चे J25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे बड़ी एक मिस्टेक जो मुझे लगता है बच्चे करेंगे वो है एक अर्जेंसी ना रखना, और स्पेशली जे एडवांस्ड के बारे में अर्जेंसी नहीं रखना। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यदि आपको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए फॉर योर रिवीजन एंड फॉर स्टडी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट लिंक से सेकंड लिंक से ले सकते हो। फर्स्ट लिंक पे मेरा कोर्स है जिसपे भी डिस्काउंट है, कल लास्ट डेट है, उसके बारे में लास्ट में बता दूंगा मैं, तो वो भी देख लेना एक तो कोर्स भी, और शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल देख लेना, वो फ्री है। तो चलिए बात करते हैं कि अर्जेंसी से मेरा क्या मतलब है। तो देखिए, कई लोग ना आगे पोस्टपोन करते रहते हैं हर चीज को कि अरे यार मैं ना अभी ये कर लेता हूँ, बाद में मैं एडवांस का पढ़ लूंगा, या फिर अरे यार ये चैप्टर मेरे छूटे हुए ये अभी नहीं करता हूँ, अभी मैं कुछ और कर लेता हूँ और बाद में मैं कर लूंगा। देखिए, ये जो बाद में वाली चीज है, आपको अपनी 11th से लेसन लेनी है। 11th में भी आपने ऐसे किया था कि अरे यार ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, बाद में पढ़ लूंगा, अरे यार ये वाली चीज पता नहीं क्या है, कल कर लूंगी। लेकिन क्या वो कल आया? नहीं आया। अभी तक वो चैप्टर बैकलॉग है? यस, कुछ चीजों की निकल गई होगी बैकलॉग, बट मोस्टली क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पहले आपने चैप्टर्स ये सोच के छोड़े थे कि बाद में कर लेंगे, वो आप नहीं कर पाए? येस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि डू यू हैव एनी बैकलॉग और यू डोंट हैव एनी बैकलॉग। शायद ज्यादातर लोगों की होगी, राइट? और वो इसीलिए थी क्योंकि आपने अर्जेंसी नहीं दिखाई। आपने सोचा अरे यार 2 साल है, आराम से कभी भी हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है ये 2 साल कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको खुद को फील होता होगा कि अरे यार थोड़े दिन पहले तो हम 11th में थे, 10th में थे, अब 12th के भी मिड में आ गए हैं, राइट? तो वैसे ही आपको ऐसा लगेगा थोड़े दिन बाद कि भाई ये 12th कब खत्म हो गई, कॉलेज चालू हो गया। मुझे भी आज ही लगता है कि यार जे तो कल ही तो दिया था, लेकिन 7-8 साल हो गए अब दिए, 7 साल हो गए, राइट? तो जल्दी निकलता है टाइम, एकदम बहुत फास्ट ऐसे टाइम निकलता है, और आपके जो 12th का बचा हुआ टाइम है ना वो भी ऐसे निकल जाएगा। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि थोड़ा सा अर्जेंसी शो करो, आपको जो भी चीज करनी है अभी कर लो। आप अपने आपको टारगेट 1.5 गुना देके चलो। आप ऐसा मत सोचो कि अच्छा आपकी कैपेसिटी अगर इतनी है, एक्स है, आप 1.5x का टारगेट सेट करो। उससे आप 1.5x नहीं कर पाए, लेकिन आप एटलीस्ट 1.25x अचीव कर लेंगे। जैसे आपने सोचा है कि इस महीने मुझे 10 चैप्टर पुराने हैं जिनकी बैकलॉग है वो क्लियर करनी है, 5 चैप्टर है, तो आप 10 का टारगेट लेके चलो। 10 का टारगेट लोगे तो 7-8 कर लोगे। और आप देखो, एक और एक कॉन्सेप्ट होता है कि वर्क जो होता है ना आपका, वो आप उसको कितना टाइम देते हो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने किसी काम के लिए खुद को 24 घंटे दिया है तो आप 24 घंटे में कर लोगे। किसी काम के लिए आपने अपने आपको 1 महीना दे दिया तो 1 महीने में होगा वो, ठीक है? तो आप जब भी टारगेट सेट करो ना कि भाई मुझे ये वाले चैप्टर्स का पुराना पढ़ना है, या ये वाला रिवाइज करना है, या ये क्वेश्चन करनी है, बुक करनी है, तो आप उसके लिए जितना आपने टाइम सोचा उसका आधा टाइम ही दो। आपने सोचा है कि यार मुझे इस महीने बैठ के ये 4 चैप्टर पुराने खत्म करने हैं, आप 2 हफ्ते में करो, ठीक है? तो आप कर भी लोगे, देखना। तो इसलिए थोड़ा सा अर्जेंसी आपको शो करना रहेगा। आपको ऐसे सोचना है कि यार मेरा जेई तो अभी आने वाला है, दिसंबर में ही है। आप ऐसे सोच के चलोगे ना तब जाके आप जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार होगे। तो आप थोड़ा तेज चलो और चीजें पोस्टपोन मत करो। अब पोस्टपोन आप नहीं कर सकते, कोई भी चीज पोस्टपोन करने का मन है तुरंत करनी है, भले कैसे भी करो। हो सकता है आप स्टडी आवर्स इंक्रीज करो, हो सकता है फटाफट अपनी स्टडीज करने की कोशिश करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, लेकिन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप अगर अर्जेंसी शो नहीं करेंगे एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम बहुत जल्दी पास आ जाएगा, और आपने जो चीजें प्रोक्रेस्टिनेट कर दी थी कि भाई ये चीज तो मैं बाद में कर लूंगा, ये मैं बाद में कर लूंगी, वो चीजें कभी आएंगी ही नहीं। तो यही थी वीडियो। आपको और हेल्प चाहिए, मेरा J25 कोर्स अवेलेबल है एट अ डिस्काउंट टिल टुमारो नाइट, ठीक है? तो आज 23 तारीख है, 24 तारीख की रात तक आपको कोर्स केवल 5,000 रुपीज में मिल रहा है। अदरवाइज वो कोर्स 10,000 रुपीज का सेल होता है, आप जाके देखिएगा परसों वेबसाइट पर 10,000 का मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना। उसमें मैंने आपको पूरा बैकलॉग कवरेज, रिविजन, एवरीथिंग ऑफ ऑल टॉपिक 11th 12th सब कुछ कराया है, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशंस, और आपको टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन भी उसमें मिलेगी डिटेल में। एडवांस लेवल पर भी लेके गए, और वो कंप्लीट कोर्स है, आप उस पर डिपेंड करके आराम से जेई एडवांस जेई मेन दोनों क्लियर कर सकते हैं। कोचिंग स्टूडेंट हो या सेल्फ स्टडी हो, दोनों के लिए यूजफुल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले जरूर लेना, और पैसे नहीं है बाय द वे कोई बात नहीं, नीचे मेरे नोट्स तो ले लेना भाई, वो फ्री है, आपको रिविजन में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है? सो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।